ठोस तत्व के परमाणु भार तथा विशिष्ट ऊष्मा में क्या संबंध होता है? तो डिवलांग और पेडिट का नियम, डिवलांग और पेडिट का नियम, ठीक है, डिवलांग और पेडिट का नियम क्या होता है? परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा लगभग 6.4। डिवलांग और पेडिट का नियम नोट कर लो, डिवलांग व पेडिट का नियम, कई बार बता चुके हैं, नोट कर लो सब, पेडिट का नियम याद हो जाना चाहिए, डिवलांग व पेडिट का नियम, परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा लगभग 6.4 के बराबर होता है। परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है? 6.4। परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट नियर अबाउट क्या होता है? 6.4 होता है। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 नंबर सवाल आपके सामने है। अवोगाद्रो संख्या का मान, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023, ठीक है, ध्यान दें, अवोगाद्रो संख्या को एन जीरो या बच्चों एन ए से दर्शाते हैं, एन ए या एन जीरो से डिनोट करते हैं। इसका मान 6.023 गुणे 10^23 प्रति मोल होता है। प्रति मोल का मतलब एक मोल में इतनी चीजें होती हैं, एक मोल में इतनी चीजें होती हैं, और एक मोल में ये जो निश्चित संख्या होती है इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो विकल्प नंबर इसका डी सही होगा, 6.023 गुणे 10^23 प्रति मोल, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्लोराइड आयन के बाहरी कक्ष में, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 17 तो ये हो जाएगा 2, 8, 10, 7, 17, है ना। अगर क्लोराइड आयन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 17 था 18 हो जाएगा, 2, 8, 10, 8, 18, तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। क्लोराइड आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। निम्न में से किस पर धनावेश होता है? तो बच्चों यहां पर देखो, गामा जो किरण होता है ये उदासीन है, ये क्या है? न्यूट्रल, उदासीन है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। गामा जो तरंग होता है वैद्युत चुंबकीय होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, ये गामा किरणें जो होती हैं वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित भी नहीं होती है। बीटा किरणें ये ऋणात्मक, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित कणों से, ये ऋणावेशित कण है, बीटा कण लिख लो, ऋणावेशित कण है, बीटा कण ऋणावेशित कण है। अल्फा किरणें अल्फा कणों से बनी है, अल्फा किरणें अल्फा कणों से बनी है, अल्फा किरणें अल्फा कणों से बनी है, अल्फा कण धनावेशित होता है, अल्फा कण क्या होता है? ये धनावेशित होता है, अल्फा कण धनावेशित होता है, अल्फा कण जो होता है धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित होता है, और गामा विद्युत उदासीन है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक को, हीलियम के नाभिक को, नाभिक हीलियम के नाभिक का मतलब एच ई के ऊपर डबल प्लस को अल्फा कण कहते हैं, हीलियम के नाभिक को यानी एच ई के ऊपर डबल प्लस को अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण धनावेशित होता है, अल्फा कण पर धनावेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, धनावेश जो होता है वो प्लस का 3.2×10^-19 का कूलाम होता है, और द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, 6.67×10^-27 किलोग्राम लगभग होता है, ठीक है। द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है, आवेश प्रोटॉन के आवेश का लगभग 2 गुना होता है। ये अल्फा कण के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया है, इनको भी नोट कर लेना। अल्फा कण, अल्फा किरणें अल्फा कणों से बनी है, अल्फा कण धनावेशित होता है, हीलियम के ऊपर 2+ हो जाए, एच ई के ऊपर डबल प्लस हो जाए उसे अल्फा कण कहते हैं, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। जो अल्फा कण होता है उस पर प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना आवेश होता है, 3.2×10^-19 कूलाम होता है, और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरणें हमने बताया था उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उच्च ऊर्जावान होती, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी की होती है, उच्च ऊर्जावान होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, सोडियम क्लोराइड NaCl, बच्चों यहां पर NaCl हो जाएगा या KCl हो या MgCl2 हो, MgCl2 हो या CaCl2 हो, ठीक है, या CaO हो, है ना, इतना डिब्बे में बंद कर दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आयनिक यौगिक हैं। ये सब कैसे यौगिक हैं? आयनिक यौगिक, इनको आयनिक यौगिक कहते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं। और आयनिक यौगिकों का दूसरा नाम वैद्युत संयोजक यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी इन्हें कहते हैं, इनमें वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है, वैद्युत संयोजकता पाई जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी पाई जाती है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है NaCl, NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट है, ये सारे इलेक्ट्रोवैलेंट है, वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक इनको कहते हैं, ठीक है। चलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पूछा गया है, तो कॉपर सल्फेट को जब जल में घोलोगे, HOH में घोलोगे बच्चों, तो ध्यान दे रहा है HSO4 से मिलकर के H2SO4 बना देगा प्रबल अम्ल, और यहां पर CuOH से मिलकर के CuOH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल क्षार हो जाएगा, इसको बोलते हैं दुर्बल क्षार, क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षार। और H2SO4 को कहते हैं प्रबल अम्ल, गंधक का अम्ल, S का मतलब गंधक, S मतलब सल्फर, सल्फर का मतलब गंधक, गंधक का अम्ल जो है बना देगा H2SO4, ये प्रबल अम्ल होता है, किंग ऑफ एसिड होता है, तो विलयन इसी के अनुसार नेचर बताएगा, उसके अनुसार दुर्बल के अनुसार नहीं बताएगा, तो विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय, कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम। हमने आपको बताया था CuSO4.5H2O को क्या बोलते हैं? नीला थोथा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है, इसको नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रियल कहते हैं। इसमें हमने बंद बताया था, इसमें सह संयोजक भी होता है, इसमें बताया था बंद कौन कौन सा होता है, सह संयोजक भी होता है और उपसह संयोजक भी होता है, उपसह संयोजक होता है, और इसमें हमने बताया था हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। दोबारा से हमने बता दिया, समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नीला थोथा, इसका जलीय विलयन नीला होता है, इसलिए इसको नीला थोथा कहते हैं, H2SO4 बन जाता है, इसलिए अम्लीय विलयन हो जाएगा, पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, अम्लीय, इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से कम। चलिए आगे देखते हैं, एक ही पदार्थ जो आपसी कारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है, जो आपसी कारक और अपचायक दोनों है, जिसका अपचयन होता है उसे आपसी कारक कहते हैं, किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है उसे आपसी कारक कहते हैं, और जिसका आपसीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड आपसीकारक और अपचायक दोनों है, आपसीकारक और अपचायक दोनों है, ठीक है, ध्यान देना, ये HBr अपचायक है, HBr अपचायक है, नोट कर लेना, और पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये आक्सीकारक, प्रबल आक्सीकारक, इनको आक्सीकारक कहते हैं, ये आक्सीकारक है, नोट कर लो, ठीक है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 का मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट, इस पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे लाल दवा का सूत्र है, पूछा जा चुका, ये लाल दवा है, ठीक है, ये दोनों आक्सी कारक होते हैं, प्रबल आक्सी कारक होते हैं, ठीक है। ये जो HBr अपचायक होता है, जो SO2 है या ओजोन है या H2O2 है बच्चों, ये सब आक्सी कारक और अपचायक दोनों होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, O3 ओजोन है, H2O2 है, SO2 है, ये सब क्या होते हैं? ये आक्सी कारक और अपचायक दोनों की तरह उपयोग में काम में आते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, यूपी कैडेट में भी पूछा जा चुका है। यस ओ टू ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, ठीक है। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये HBr क्या है? अपचायक। ये दोनों क्या है? ऑक्सीकारक। ये क्या है? ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। H2SO4 की बात किया गया है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है और दो है तो +2 हो जाएगा। सल्फर का x मान लो +4 गुणे ऑक्सीजन का -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +2 प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस, -4 दूना 8 बराबर 0। एक्स 2 माइनस 8 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स बराबर +6 हो जाएगा, एक्स बराबर +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता? +6 होता है, ठीक है, ध्यान देना +6। ऐसे बच्चों H2SO8 है ना, H2SO8 है और एक होता है H2SO5, ठीक है। जब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, अगर H2SO8 की निकालें, यहां पर कितना आएगा? पहले तो ये बताओ H2SO8 का क्या नाम है? H2SO8 का नाम क्या है, जल्दी बताएं, इसका नाम बता दे सभी लोग। इसका नाम सभी लोग बताएंगे, H2SO8 का नाम क्या है, ठीक है। जब पहले तो नाम बता दो, H2SO8 का नाम क्या है? H2SO8 जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, जितने लोग मार्शल अम्ल कह रहे हैं उनका सही है। ये मार्शल अम्ल है, ये मार्शल अम्ल होता है, ठीक है। और H2SO7 इसको ओलियम कहते हैं, ये नोट कर लो, इसका नाम ओलियम, ठीक है। और H2SO5 इसको कैरो अम्ल कहते हैं, ये कैरो अम्ल होता है। ये तीनों सूत्र नोट कर लो, H2SO8 मार्शल अम्ल होता है, H2SO7 ओलियम होता है, H2SO5 कैरो अम्ल होता है। तीनों सूत्र नोट कर लो। अब इसमें दो एक्सेप्शन है, H2SO8 और H2SO5। इसमें जब हम लोग निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ अलग आता है। जैसे सल्फर है, सल्फर जो है आवर सारी के छठवें ग्रुप में 16 है, सल्फर होता है 2, 8, 10, 6, 16 बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा नहीं होती, उससे ज्यादा नहीं होती। जब H2SO8 की बात करेंगे, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हाइड्रोजन का यहाँ 1 का +1 तो 2 का +2, सल्फर का x मान लो तो 2 का तो 2x हो जाएगा, +8 गुणे -2 हो जाएगा बराबर क्या होगा? 0। यहां पर +2 +2x है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 दूना 16 बराबर 0, 2x माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर +7 आ जाएगा, +7 आ गया जो कि गलत है, +7 नहीं होता है। H2SO8 में बच्चों पराक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, दो ऑक्सीजन पराक्साइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहां पर H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 याद रखना, आता यहां पर +7 है लेकिन आंसर क्या आएगा? यहां पर +6 आएगा। ऐसे जब यहां पर सॉल्व करोगे है ना, जब इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? +8, यहां पर +8 आएगा, +8 नहीं बल्कि सल्फर की क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, अपवाद है दोनों याद रखना। यहां पर जब निकालोगे तो +7 आ रहा है, इसमें जब निकालोगे +8 आएगा, जबकि +6 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो जब ज्यादा आने लगे तो आंसर +6 टिक कर देना,
ज्यादा आने लगे तो प्लस 6 टिक कर देना, ये हम अतिरिक्त तो सवाल भी बता दे रहे हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं यहां पर 38 तत्वों की आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया, बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी बताया गया है, जो है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम जो है मोजले द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, मोजले द्वारा बताया गया है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोजले ने। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ये हमने बताया था जल, जल का मतलब H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात, एक भारात्मक अनुपात नोट कराया था, एक आयतनात्मक, इसमें दो आयतन हाइड्रोजन है और एक आयतन जो है ऑक्सीजन है, 2:1, अगर यहाँ पर भारात्मक अनुपात ये 2 हो जाता और इसका 16:2, मतलब 1:8 आ जाता, ये भारात्मक अनुपात है और ये आयतनात्मक अनुपात है, 2:1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, गंधक के कितने अपरूप होते हैं? गंधक के निम्नलिखित में से कितने अपरूप होंगे? गंधक के 5 अपरूप कल ही आप लोगों को पढ़ाया गया था। ठीक है, गंधक के कितने अपरूप होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, गंधक जो होता है सल्फर, सल्फर S8 के रूप में होता है, सल्फर S8 के रूप में होता है, ध्यान देना, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, सल्फर, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक है, इसका 8 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, S8 में सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या होता है? 0 होता है। सल्फर के कितने अपरूप होते हैं? 5, ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है गंधक का अम्ल, किंग ऑफ एसिड H2SO4, ये अपने जलीय विलयन में 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये अपने जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन त्याग करेगा, कितने हाइड्रोजन आयन देगा? सल्फ्यूरिक अम्ल 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन आयन, इसलिए इसको बोलते हैं डाई बेसिक, द्विक्षारकीय अम्ल है, इसको द्विक्षारकीय बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड, इसे डाई बेसिक एसिड कहते हैं, इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता 2 होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता 2 होती है। अगला सवाल देखते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने के सोडे को कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको कहते हैं रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 होता है, और धावन सोडा या वाशिंग सोडा का सूत्र नोट कर लो, धावन सोडा या वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रासायनिक नाम नोट कर लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये रासायनिक नाम है धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने खाने का सोडा का सूत्र बता दिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, आंसर ही ना टिक करें, प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन नोट भी करना है। निम्नलिखित यौगिकों में कार्बनिक यौगिक को चिन्हित कीजिए, कार्बनिक यौगिक यहाँ पर देखते ही समझ में आएगा C2H6, ये एथेन होता है, इसका नाम एथेन है,
ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये इस सूत्र को संतुष्ट करेगा, CnH2n+2 को संतुष्ट करेगा, CnH2n+2 को संतुष्ट करेगा एल्केन को, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पोटेशियम एसीटेट, सबको रटा होगा ये पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, बताया था इसका जब वैद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत अपघटनी विधि को हमने कहा था कोलबे संश्लेषण, वैद्युत अपघटन जब कराते हैं तो वैद्युत अपघटन कराने से एथेन बनता C2H6। ठीक है, अब कहा एनोड पर, हमने बताया था एनोड पर क्या क्या मिलेगा, एथेन मिलेगा C2H6 और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पर बताया था हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर बताया था हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये पॉइंट हमने आप लोगों को नोट कराया। ठीक है, पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे तो एथेन प्राप्त होगा, वैद्युत अपघटनी विधि से कोलबे संश्लेषण से मेथेन नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही जो है हम लोग बुर्स क्रिया द्वारा मेथेन प्राप्त कर सकते हैं, ना ही हम लोग फ्रैंक लैंडर क्रिया द्वारा मेथेन बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम सक्सिनेट, यहाँ पर पोटेशियम सक्सिनेट की बात किया गया है, CH2COOK है ना, CH2COOK, हमने बताया था कि वैद्युत अपघटनी विधि से एल्केन एल्कीन एल्काइन सबका निर्माण हो सकता है, ये पोटेशियम सक्सिनेट होता है, इसका जब वैद्युत अपघटन कराते हैं कोलबे संश्लेषण कराएंगे, जब इसका कोलबे सिंथेसिस होगा तो एनोड पर अगर बात करें, एनोड पर ठीक है, एनोड पर क्या क्या मिलेगा, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन, ये सबको याद होना चाहिए जो हमने कॉपी में नोट करा दिया। ठीक है, ये एनोड पर ये दो चीजें मिलती हैं और कैथोड पर हाइड्रोजन, यहाँ पर पोटेशियम सक्सिनेट का ये सूत्र भी लिख दिया है, कोलबे संश्लेषण विधि कहलाती है वैद्युत अपघटनी विधि को, कहते हैं कोलबे संश्लेषण विधि, एथिलीन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, द्रव एथिलीन, ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, अगर इसको उच्च ताप पर जो है उच्च ताप एवं दाब पर गर्म किया जाए, इसके एम मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो करके पॉलीथीन बना लेते हैं, तो ऐसा बनेगा CH2 और ये इस तरीके से होल एन, इसके एन मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, इसको कहते हैं पॉलीथीन। तो एथिलीन का पॉलीमर जो होता है पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन का मोनोमर जो होता है वो एथिलीन होता है, ये पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन इसको कहते हैं, पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 47 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड, कई बार बताया है कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2, इसकी संरचना भी देख लो, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के C ट्रिपल बॉन्ड C होता है और यहाँ पर कैल्शियम, इसे कैल्शियम एसिटिलाइड भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का दूसरा नाम है कैल्शियम एसिटिलाइड। ठीक है, जब इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एसिटिलीन बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH C2H2 एसिटिलीन, इसी को एथाइन भी कहते हैं, एसिटिलीन या एथाइन। इसके बाद अगला सवाल है 48 नंबर, ग्लिसरॉल, बताया था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, देखो CH2OH CH2OH CHOH और ये आपका है CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है, ये तीन OH यहाँ पर जुड़े हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक है, 1 2 3, इसका आयुपेसी नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, 1 2 3 ट्राईऑल हो जाएगा, 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 48 का ग्लिसरॉल पूछा गया, कौन सा हाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रत्येक एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, प्रत्येक एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, कार्बोनिल यौगिक वे होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ उपस्थित होता है, सी डबल बॉन्ड ओ जो है एल्डिहाइड में भी होगा और सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसमें होगा कीटोन में भी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए सभी लोग,
लैक्टिक अम्ल का सूत्र, ये भी पिछले टेस्ट में पूछा जा चुका है, क्या होगा CH3CHOHCOOH, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, ये भी यूपी कैडेट में आया हुआ सवाल है। यहां से आप लोगों ने 1 नंबर से लेकर 25 नंबर तक आप लोगों ने फिजिक्स देख लिया है ना, और 26 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक आप लोगों को केमिस्ट्री करा दिया गया, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स का डिस्कशन आप लोग देखेंगे, मैथ के सवाल। तो आप लोग बताइए कि जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है कितने सही हैं आप लोगों के, कमेंट करके बताइए। 50 में कितने सही हैं, 50 में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, 50 में कितने सही कर पाए हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं 50 में कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए हैं, जल्दी से बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि 50 में आपके कितने सही गए। जल्दी बताएंगे सभी लोग, ठीक है 48 सही, रुचि पटेल 48, मुकेम 41, जय सिंह ठीक है 45, व्योम त्रिपाठी आदर्श अजय 35, संतोष मौर्य 37 ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ लो किताब में जितने हैं, ठीक है सब, दिलीप 47 ठीक है, सत्येन 47, गलती नहीं होनी चाहिए है ना, क्योंकि किताब से अगर पूछ लिया गया और अगर आपके एक भी गलत हो रहे हैं तो समझ जाओ कि आपने पढ़ा नहीं सही से, है ना। आप लोगों को पूरा काम करना है, किताब में जो आपके सवाल दिए गए पहली बात तो उनको सबको रट लेना है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का क्रैश कोर्स में भी सही गया है, ठीक है, क्रैश कोर्स से भी अच्छा किए हैं बच्चे, 45, 35, 34 ठीक है, ठीक है। नवीन यादव 34, संदीप 42, कोशिश करें कि आप लोग जो है 50 में सबके 45-46 सही होने चाहिए, ठीक है, दोनों मिलाकर के, ठीक है। चलो इसके बाद मैथ का डिस्कशन देखिए, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, सिलेक्शन सभी का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो रिस्पांस आप लोगों का है काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। विश्वविद्यालय में एक सीट आपको चाहिए, एक सीट आपको मिलेगी, हर एक बच्चे को अपनी अपनी एक सीट चाहिए, अपने अपने सीट के लिए काम सब लोग कर रहे हैं, तो सभी का जो है अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और पढ़िए अगले टेस्ट के लिए और प्रिपेयर करिए अपने आप को, अगले टेस्ट तक आपकी एक यूनिट और कवर हो जाएगी, उससे भी आप अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। बहुत विधिवत पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने को तो सभी पढ़ा दिया गया अगर देखा जाए, लेकिन लगातार चीज़ें आप देख रहे हैं तो आपको डिटेल एक एक चीजें क्लियर की जा रही पॉइंट वाइज, जिससे आपकी रैंक अच्छी आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए मैथ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है, सभी बच्चे लाइव आ जाएं भाई। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। विशाल चौहान, चलिए
बहुत ठीक। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए। विशाल चौहान गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, नेम मलिक, आलोक कुमार, अनुराग दत्त। चलिए ठीक है, आर्यन, अवनीश, रवि, समर साहू, सोहेल अंसारी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। बच्चों 51 नंबर से अपना मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। संदीप चक्रवर्ती जी बेटा गुड आफ्टरनून, राहुल पाल। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्ते बेटा हर्ष शर्मा, नमस्ते नमस्ते। राधे राधे बेटा, राधे राधे राहुल पाल। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेशन। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्टैटिक सांख्यिकी का इस बार सेट किया हूँ। ठीक है, अब पैटर्न बदलेगा हर संडे को, अब पैटर्न अलग रहेगा। अभी तक क्या होता था, ज़्यादातर क्वेश्चन एपी जीपी और आपके ट्रिग्नोमेट्री के हम शुरुआत में रखते थे। अब अपोजिट पैटर्न रहेगा, अब आपको सांख्यिकी मिलेगा, उसके बाद मेंसुरेशन मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है ना, तो उसके क्वेश्चन की अधिकता भी अब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, इधर आपने घातांक, लघुगणक, एपी जीपी, एचपी। ठीक है ना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआती सेशन काफ़ी देखे हैं, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन इसी पे जाते थे। अब जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन सांख्यिकी पर, निर्देशांक ज्यामिति पर, और आपका जो शंकु है, बेलन है, गोला गोला है। ठीक है ना, और इन सब पे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरे अपने सिलेबस पर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है माध्यिका पर। माध्यिका पर है ये, माध्यिका का बच्चों तीसरे प्रकार का प्रश्न है। हर सेशन में क्वेश्चन का टाइप बदला हुआ होता है। इसमें बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको पद का नाम दिया गया। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है, पद का नाम। एक बार हम टेबल बना लेते हैं, पद का नाम। ठीक है ना, सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद 14, 16 और 17। ध्यान देना बच्चों, जो चौथी पोस्ट का जो आदमी है उसकी बारंबारता कितनी है, एक बार रिपीटेशन हो रहा है। छठवीं पोस्ट वाले का दो बार रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों जितने बार कोई चीज आती है वो क्या उसकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों इसको एफ से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से। तो लिख लेते हैं, चौथी पोस्ट वाले कितना दिया गया 1, छठवीं पोस्ट वाले का 2, फिर 7, 9, 11, 18, 5 एंड 4। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। जब सिर्फ आपको पदों का आंकड़ा दिया जाए, जब सिर्फ आपको पदों का आंकड़ा दिया जाए तो पदों की संख्या गिनते हैं और बच्चों उसमें n+1/2 टाइप का रूल लगा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, लेकिन जब आपको बारंबारता भी दी जाए, बारंबारता भी दी जाए तो एक शब्द आ जाता है बच्चों, संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए ध्यान देना बच्चों, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वन है तो वन को एडिटिव वन ही लिख दीजिए। फिर क्या करते हैं बच्चों, वन में 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका सभी बच्चे देखिएगा, संचयी बारंबारता। अब 3 में बच्चों 7 ऐड करोगे कितना आएगा, 10। अब 10 में 19, 9 ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, 19। अब 19 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों, 30। और 30 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 48। और 48 में प्यारे विद्यार्थी 5 अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 53। अब बच्चों 53 में यदि 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 57। ठीक है, तो संचयी बारंबारता का कुल योग कितना आया, संचयी बारंबारता का कुल योग, बारंबारता का योग निकाल लेते हैं बच्चों। ध्यान देना कितना है, 2, 3, 7, 3, 10 और 1, 19, 19, 30, 30 के बाद 40, 48, 48 के बाद बच्चों कितना आ रहा है, संचयी बारंबारता का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुल बारंबारता देख लेते हैं बच्चों, बारंबारता का योग करिए कितना है, 2, 3, 7, 3, 10 और 1, 19, 19 के बाद बच्चों आ रहा है ये 20, 19, 20, 30, 40, 48,
48 का ये टोटल आएगा बच्चों 57, कितना आएगा 57। तो प्यारे बच्चों एन बराबर कितना आ गया 57। अब माध्यिका के लिए आपको फार्मूला पता होता है, माध्यिका ज्ञात करने का आपका फार्मूला क्या होता है बच्चों, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू का पद निकालते हैं। ठीक बेटा, अब ध्यान देना, एन कितना 57 प्लस 1 बटे 2 कितना हो जाएगा बच्चों 57 और 1 58, 58 बटे 2 29वां पद। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना 29वां पद जो है मध्य पद होगा। अब ध्यान देना 29वां किसमें आएगा, वन में नहीं आएगा, तीन में नहीं आएगा, दस में नहीं आएगा, 19 में नहीं आएगा, 30 में आएगा। संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में देखते हैं कौन सा 29वां पद है बच्चों, 30वां ये है। इसके सामने पद का नाम देखिए 12 है, तो माध्यिका क्या आएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए सभी बच्चे, सबसे पहले पद का नाम, उसकी बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, फिर माध्यिका के लिए बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं एन प्लस वन बाई टू। तो 57 प्लस 1 बटे 2 मतलब 58, और 58 को 2 से भाग दोगे तो 29 आएगा बच्चों। ठीक है ना, अब 29वां पद संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं, या एक पद है, तीन पद है, 10 है, 19 है। 29वां पद बच्चों किसके भीतर आएगा, 30 के भीतर लाई करेगा, तो संचयी बारंबारता, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी 12, कितना आएगा आंसर 12, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए चलिए नोट करिए सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे नोट करें। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, तो इस संचयी बारंबारता सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है, पहले वन, फिर वन में बच्चों टू जोड़ा, थ्री, थ्री में सेवन जोड़ा, टेन, टेन में नाइन जोड़ा तो 19। ठीक है ना, इस तरह क्रमानुसार जोड़ते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हाँ भाई 52 नंबर, समांतर माध्य याद कीजिए बच्चों, फिर से समांतर माध्य, सबसे पहले लिखिए प्राप्तांक, एक बार हम टेबल बना लेते हैं, प्राप्तांक कितना बच्चों 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, अब 11 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी बच्चों, 3, मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है बच्चों, 11 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं प्राप्तांक को एक्स से डिनोट करते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को एफ से डिनोट करते हैं, 11 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 3, 12 नंबर लाने वाले 7, फिर 8, 5, 2 और 4। अब बच्चों ध्यान देना, जब भी माध्यिका निकालते हैं माध्यिका में बारंबारता दी जाए, माध्यिका में बच्चों बारंबारता दी जाए तो हमेशा ध्यान देना इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या करते हैं इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा करते हैं किसमें, समांतर माध्य के लिए। तो बच्चों क्या आएगा एफ एक्स, एफ एक्स कितना आएगा बच्चों 33, 12 सत्ते 84, 13 अट्ठे 104, 14 पंजे 70, 5 15 दूनी 30, और बच्चों ये कितना आएगा थोड़ा सा इनके सामने लिखिएगा, और 16 चौकू कैसे होते हैं 64 होता है, तो बच्चों ये इनका जोड़ कर लीजिए 4 3 7 4 11, और 11 और 4 कितने होते हैं 15। ठीक है, 3 और 1 4, 8 4 12, और 7 19, और 20 22, और 6 कितने होते हैं भाई 6 28, तो बच्चों 385 आ जाएगा। माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए बच्चों फार्मूला होता है, याद रखिएगा इस तरह के पैटर्न के लिए, वैसे आपने पढ़ा था पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, लेकिन जब बारंबारता भी दी जाए तो क्या होता है बच्चों एफ इंटू एक्स, एफ एक्स का कुल योग बटे स्मॉल फ्रीक्वेंसी का कुल योग से भाग दे देते हैं बच्चों, इसका कुल योग कितना है 385, कितना है 385, और बच्चों फ्रीक्वेंसी का कुल योग कितना है 7 3 10 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 24 25 4 29 कितना हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का कुल योग कितना गया समीशन है, और ये बच्चों है समीशन एफ एक्स, तो इसमें इससे भाग दे देते हैं तो बच्चों कितना आएगा 385 में 29 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान देना 13.276 बार जाएगा।
तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, हरीश कुमार बेटा बिल्कुल सही है, सही, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? यदि प्राप्तांक दिए जाएं और उनकी बारंबारता दी जाए तो प्राप्तांक और बारंबारता का गुणा कर लेते हैं, फिर इनका योग कर लेते हैं, और जो बारंबारता दी जाए उनका योग कर लेते हैं, और प्राप्तांक और बारंबारता के गुणा करने पर जो कुल योग आता है उसमें बारंबारता के कुल योग से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए नवनीत शुक्ला नोट कर लो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह कायदा बच्चों करना कुछ नहीं है, ये तो हमने इतना काम किया पेपर में, तो इसी के आगे बस जोड़ घटाना करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नोट करो, चलिए नोट हो गया, एक बार कमेंट कर दो बच्चों जल्दी से, नोट हो गया। हाँ जी बच्चों एक बार कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ध्यान देना, दो बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, x1, y1 ये आपको मान लेते हैं कोई बिंदु A दिया गया है और ये बिंदु कोई B दिया गया है, इसका निर्देशांक क्या है x2, y2। और मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं, मान लेते हैं बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो कैसे निकालते हैं बच्चों? x1 प्लस x2 y2 और y बराबर कैसे निकालते हैं? y1 प्लस y2 y2, ठीक है ना। अब बच्चों x1 का मान कितना है? -6। x2 का मान कितना है? +6 बटे 2 कितना आएगा बच्चों? 0। y1 का मान कितना है? 0। y2 का मान कितना है? 0। जोड़ो कितना आएगा? 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए बेटा? 0, 0। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है जी। नवनीत, मोंटू, हर्ष, आयुष, बहुत बढ़िया, मोनू कुमार, हरीश कुमार, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये आंसर ही होगा, बहुत सुंदर, ठीक है। तो जिन बच्चों को मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं निकालने आते वो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, नोट कर लो इतनी बात, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का तरीका है ये, ठीक है। चलिए अवनीश, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। पुरुषोत्तम तिवारी जी, संजीव चक्रवर्ती, चलिए बच्चों क्या कह रहा है? त्रिभुज जिसके शीर्ष दिए गए हैं आपको बताना है, समद्विबाह त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों कल की क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति लिखाया था, याद होगा जो बच्चे कल की क्लास में थे, तो बच्चों उसमें यही चीज हमने बताई थी आपको, ठीक है ना, कि कैसे तीन बिंदु दिए जाएंगे, कैसे संभाव विसंभाव पहचानेंगे। चलिए बच्चे यहाँ देख भी लेते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों ये त्रिभुज है ए बी सी, ए के निर्देशांक बेटा कितना है? 3.5। बी के निर्देशांक कितने है? 6.9। और सी का निर्देशांक कितना है? 2.6। अब बच्चों हमें ये चेक करना है त्रिभुज समद्विबाहु है विषमबाहु है, जिसकी कोई भी भुजा भुजा समान नहीं होगी, तीनों भुजाएं असमान होती हैं तो वो विषमबाहु होता है। समभाव में क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समभाव होता है, और समद्विबाहु में क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, टू साइड्स अगर इक्वल हो तो समद्विबाहु होता है। तो बच्चों इसका मतलब भुजाओं की लंबाई याद करनी है, सबसे पहले ए बी निकालो, ए बी निकालो। तो ए में बच्चों क्या है? पहला बिंदु क्या है ए में? 3.5। और बी कितना है बच्चों? 6.9। तो इसका मतलब ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं, दूरी से पता चल जाएगा कि भुजाओं की लंबाइयां कैसी हैं। तो ए बी के जब बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों कितना आएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर। दूरी का निकालने का फार्मूला क्या होता है? दूरी का निकालने का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकालने का फार्मूला होता है। तो बच्चों प्लस y1 कितना है? y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आएगा 6 में से 3 गया 3 2 का 9 और 4 6 16, तो ये आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5।
तो बच्चों इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 5 आ गई। अब बीसी बीसी निकाल लेते हैं। बीसी कैसे निकालोगे? 6 में से 2 गया, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्ग 16, 9 में से 6 गया 3, 3 का वर्ग 9, तो अंडर रूट 25 कितना आएगा? 5। तो बच्चों बीसी की लंबाई कितनी आई? 5। अब हम निकाल लेते हैं एसी, एसी की लंबाई। अब बच्चों एसी की जब लंबाई निकालेंगे कितना आएगा? 3 में से 2 गया एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 1।